दोस्तों एक बार फिर से बिग बॉस का रुख कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी विनर अर्जुन बिजलानी और उनके साथ में जो धमाकेदार पारी को खेलने के लिए तैयार हो चुकी हैं उनमें दो नाम और भी सामने आ रहे हैं। पहला नाम आ रहा है रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे ज़्यादा फंसी थी। वहीं निया शर्मा अर्जुन बिजलानी की सबसे करीबी और सबसे फेवरेट सदस्यों में से एक हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि निया शर्मा और अर्जुन बिजलानी एक में मर्जावा सीजन वन में भी नज़र आए थे, लेकिन ये दोनों एक बार फिर से कमबैक करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता देते हूँ बिग बॉस 15 में और कौन सदस्य एंट्री ले रहे हैं। क्यों अर्जुन बिजलानी के ऊपर आते हैं तो अर्जुन बिजलानी जो कि हाल ही में ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के विनर भी रहे हैं और वो अपना मुख कर रहे हैं सीधी बिग बॉस 15 की तरफ, क्योंकि अर्जुन बिजलानी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बलबूते अपने दम पर हमेशा से ही उन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो कि पहले से ही कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं वो भी इस बार अर्जुन बिजलानी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रही हैं। वहीं अर्जुन बिजलानी का दावा यह है कि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 जैसा शो जीत लिया हो तो उनके लिए बिग बॉस क्या चीज़ है, लेकिन बिग बॉस में उनके अपोजिट नज़र आने भी वाली हैं काफ़ी एक्टर जो कि आप देख पाएंगे जल्द ही। अगले हफ्ते से निया शर्मा भी सभी को टक्कर देती नज़र आएंगी। निया शर्मा टेलीविज़न की सबसे कम उम्र की एक ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपने बलबूते पर उन्होंने एक से बड़ा एक नाम किया है और जल्द ही निया शर्मा फिर से नज़र आने वाली हैं आपके अपने फेवरेट अर्जुन बिजलानी, रिया चक्रवर्ती और नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल, काफ़ी ऐसे सदस्य हैं जो आपको बिग बॉस 15 के घर में सभी को देखने को बहुत आराम से मिल ही जाएगा। हालांकि निया शर्मा को इस बार सलमान खान ने खुद ही ऑफर दिया है बिग बॉस में आने के लिए। दोस्तों मैं चाहता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।